हरिओम दोस्तों, आज अक्टूबर के 21 और मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये हमारा गोभी का खेत है। ये SPK का मॉडल है, सुभाष पालेकर खेती मॉडल। और ये जो मॉडल होता है, इसका जो आधार रहता है, ये रहता है प्राकृतिक तरीके से हर व्यवस्था को व्यवस्थित करना। तो इसका जो मूल है वो है जीवामृत। कई लोगों के लिए जिज्ञासा रहती है कि जो जीवामृत है वो कैसा रहता होगा, तो ये हमारा जीवामृत का कल्चर। सुबह शाम जो इसको ऐसे हमें सुई की दिशा में घुमाना भी होता है, ताकि इसके जो जीवाणु है उसको ऑक्सीजन मिल सके। देखिए, तो ये जो है सप्ताह में हम एक बार देते हैं, और कितनी देते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से और जो हमारी फसल है उसके हिसाब से निर्धारित होता है। अगर इसमें कोई कीट वगैरह अगर कोई समस्या रहती है तो उसको भी प्राकृतिक तरीके से ही उसका समाधान रहता है। तो कैसे हम अपने खेतों के अंदर मित्र कीटों की संख्या बढ़ाएं और उसके द्वारा शत्रु कीट के ऊपर नियंत्रण पा सकें, ये बंद गोभी है। तो ये फूल गोभी आज हमारी चौथी हार्वेस्टिंग है, तो इसको जो है सुबह के समय निकालना पड़ता है और फिर हम भेज देते हैं आगे जहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ को हमारी सप्लाई चली जाती है। तो ये गोभी के फूल हैं, ये एकदम से केमिकल फ्री हैं, नेचुरल तरीके से उगाई हुई। तो मौसम काफ़ी सूखा, बिना बारिश वाला, तो बीच बीच में हमने हार्वेस्ट भी कर ली है। और आज जैसे सोमवार है तो बीच संडे का गैप गया, कहीं पे तैयार हो चुकी है, कहीं कहीं पे जो है तैयारी पे है। और बंद गोभी काफ़ी ठोस, परंतु अभी हम 4-5 दिन नहीं निकालेंगे। जिन लोगों को पता है कि भाई हमारी प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्ट कैसा होता है, वो हमें जो है सीधे कॉल करते हैं। उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे फिर वो विक्रेता हैं, चाहे फिर अपने रसोई के लिए 2-4 किलो क्यों ना मंगवाएं, तो डायरेक्ट हमें कॉल करते हैं। तो ये छोटी सी हमारी प्रैक्टिस थी जो आप लोगों के साथ हमने शेयर की। ये देखिए एकदम ठोस, ऐसा लग रहा जैसे पत्थर। तो ऐसा नहीं है कि सारी एक जैसी होती है, अभी तक तैयार भी हो रही है। और इधर भी है हमें ये फूल गोभी, ये देखिए कुछ काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कुछ अभी छोटी भी है। तो धन्यवाद।